सो दिस इज नॉट कश्मीर सर, आपने कश्मीर की बात किया, आप कश्मीर से हैं, पर कश्मीर में आप एब्लोगेशन ऑफ 370 की बात किए, आप डेमोक्रेसी की बात किए, आप रेप्स के बात किए, आपको ये सब बात करने में शोभा नहीं देता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके खुद के पार्टी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहा है, और मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, सिंस यू ब्रॉट द टॉपिक, सिंस यू इंसिस्टेड दैट दिस शुड हैव अ रिबाटल, दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट हियर, सो रेजिंग इट हियर। योगी आदित्यनाथ कहता है, अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, कह रहा है मुसलमान औरतों को कब्र से उठा के हम रेप करेंगे। आप अगर सच्चाई में हिम्मत रखते हैं, आप स्टेटमेंट दीजिए, बोलिए उनका डिजिग्नेशन मांगना है, आप बोलिए आई डिमांड हिज रेजिग्नेशन। आप बात करते हैं रेप की, दिस इज माई टाइम टू स्पीक, यू विल हैव योर चांस एंड वी विल हैव टाइम फॉर इनफ रिबटल, डोंट लूज़न योर पेशेंस। आप बात करती है रेप की, कुलदीप सिंह सेंगर आपने कब पार्टी से निकाली, 6 महीना हुआ है आपको पार्टी से निकाले हुए, उन्नाव का रेप हुआ था 2017 में, आपको उम्मीद था कि बच जाएंगे, कुछ होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया फिर आप निकाले, 17 साल की बच्ची का रेप में आपकी एमएलए इन्वॉल्व पाए जाते हैं, आपका अरुणाचल का बीजेपी का एमएलए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट बीजेपी वर्सेज अदर पार्टीज, बट यू टॉकिंग अबाउट रेप, यू टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, यू गिविंग अस लाइव ज्ञान ऑन हाउ टू बी calm, composed and run the country and believe in the mantra of good governance is like cyclone Bulbul coming to you and asking you to stay calm. Amazing. Preach what you practice, sir. आप बात करते हैं रेप की, आपके अरुणाचल के एमएलए खुद रेप में, आप दिखाइए हमारे पार्टी का कौन है, और अगर होगा मेरा पार्टी अगर अलग स्टार्ट भी लेगा, मैं उसको बोलूंगा कि धक्के मार के पार्टी से निकालो, मेरा ये हिम्मत है। Do you have the guts or the spine to say that on record? And you talk about morality, you talk about ethics, you talk about values, you talk about principles. आप nationalism के बात करते हैं, आप नारे लगाते हैं भारत माँ की जय, हम बोलते हैं भारत माँ की जय, आपका अगर spine है आप इंडिया को बचाओ, that is nationalism. Nationalism is when you want my country to be better and bigger than other countries. When I want India to do better than Germany, to do better than Japan, to do better than China, to do better than USA, or to outdo UK and countries like Spain and Netherlands for that matter. आप खाली बात करते हैं, आप देखिए तीनों जन ने बात किया, आप चार मुद्दा लेके बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान, और मैंने बिरयानी का जिक्र किया तो सब बिरयानी पे बात करने लग गए। आप इन चार मुद्दा को हटा के बात करिए, कोई भी नेता को मैं बोलता हूं, अगर आपका हिम्मत है आप 10 मिनट बात करके दिखाइए, ना आप हिंदू बोलेंगे, ना आप मुसलमान बोलेंगे, ना आप सांप्रदायिकता बोलेंगे, ना आप राम मंदिर बोलेंगे, ना बाबरी मस्जिद बोलेंगे, ना पाकिस्तान बोलेंगे। एंड कमिंग टू पाकिस्तान, एज फार एज आई कैन रेमिनाइज, द लास्ट टाइम समवन हैड अ गुड टाइम इन पाकिस्तान एंड हॉप डाउन टू नवाज शरीफ हाउस ओवर सम गुड बिरयानी इज द बिगेस्ट नेशनलिस्ट ऑफ टुडे इंडिया, एंड यू टॉक अबाउट देशभक्ति, शेम ऑन यू सर। आप बोलते हैं भारत माता की जय, बताइए एयर इंडिया को, एन इंस्टीट्यूशन लाइक एलआईसी, यू आर डिसइन्वेस्टिंग एलआईसी, एन इंस्टीट्यूशन विच हैज इंश्योर्ड 70% ऑफ इंडियंस लाइफ, आपने उसको डिसइन्वेस्टमेंट में डाल दिया, पहले एलआईसी, पहले एयर इंडिया, फिर इंडियन रेलवे, फिर आईडीबीआई, फिर एलआईसी, अगला आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होगा। आप राजभवन क्यों नहीं बेचते भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नर हाउस, I should ask the moderator, did we actually consult him for having this debate and the Calcutta Club took permission from him? Because he might feel humiliated. You never know. I'm just asking you, why don't you do anything about the Raj Bhavan? Raj Bhavan in today's times are only being treated as BJP leaders, post-retirement mansions and extended party offices. Aap LIC bech rahe. Aur aapke Rajyapal ko agar rehne ki dikkat hoga, main on record bol raha hu, main apna ghar khali karunga, wo rahe. I'm putting this on record. आप बात करते हैं गुजरात मॉडल की, कोई भी काम करके चला जाता है और मोदी जी के ऊपर डाल जाते हैं। अरे यही गुजरात के ढिंडोड़ा पीट पीट के तो आप सत्ते में आए, और जब आप गुजरात में कुछ हो रहा है, आज बंगाल में कुछ होगा आप ममता जी को बोलते हैं, तो गुजरात में क्यों होगा? अगर 10 लोग आपसे सवाल पूछे बोले कि ऐसे थोड़ी होते, तो फ्रिंज एलिमेंट कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर फ्रिंज एलिमेंट है। आपका हिम्मत है तो बोलिए अनुराग ठाकुर को डिजाइन करें,
आप बात करते हैं, शिशिर जी ने बोला 22 करोड़ लोग हमें वोट दिया। सर यही आपकी एरोगेंस है, एरोगेंस है, यही आपकी एगोटिज्म। मैंने तो नहीं बोला, आई सेड 37% टू बी प्रिसाइज, यू सेड 38%। गेट योर फैक्ट्स चेक एंड करेक्ट। 37% ऑफ द कंट्री हैज वोटेड फॉर यू, नॉट 38%। लिसन टू मी, लिसन टू मी ओनली वन। आपने 22% की, 22 करोड़ की बात की सर, 22 करोड़ की बात की, हमें 2 करोड़ मिला है। कोई बात नहीं, हम छोटे पार्टी हैं, हम छोटे स्टेट से, आप बड़े पार्टी है, आपको बड़ा वोट मिला है। इसका मतलब ये है आप तय करेंगे कौन नेशनलिस्ट है कौन नहीं नेशनलिस्ट है। आप तय करेंगे मेरा घर में फ्रिज में क्या खाना रहेगा, आप तय करेंगे मेरा खाने में क्या क्या रहेगा, मछली रहेगा कि सब्जी रहेगा, आप तय करेंगे मैं हरा रंग का शर्ट पहनूंगा या लाल रंग का शर्ट पहनूंगा, आप तय करेंगे कि मेरा बच्चा कौन सा स्कूल में जाएगा, आप तय करेंगे मेरा बच्चा कौन सा भाषा में बात करेगा, आप तय करेंगे मेरा बीवी किससे मिलेगा, आप तय करेंगे इस देश की भविष्य आप तय करेंगे। कौन दिया आपको इजाजत? वी हैव टू कंक्लूड। आप बात करते हैं विक्टिम ऑफ डिसेंट, आप बात करते हैं यू आर अ विक्टिम ऑफ डिसेंट, आपको पुलिस ने घेर दिया, आप तो यहां आके बात कर रहे हैं। विक्टिम ऑफ डिसेंट तो वो है जो जेल में है। सुशील जी बात कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो ये लोग ने बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये लोग ने बनाया, आपने महबूबा मुफ्ती का हाथ पकड़ के सरकार क्यों बनाया? आपको शर्म नहीं आई? आपके साथ रहे तो चमत्कार, और आपके बिना रहे तो बलात्कार। आपके साथ हो तो रामलीला, आपके बिना हो तो कैरेक्टर ढीला। ये कौन सी न्याय है? क्यों बनाई आप? Who gave you? आप बात करते हैं मणि छापी की, आपको बंगाल की हिस्ट्री नहीं पता, मणि छापी हुआ है 1980s में। आप उनसे पूछिए, अरे इन्होंने किया है शिशिर, दे आर ऑन द सेम टीम टुनाइट। आप बात करिए, आपका जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो कोलीग बैठे हुए, ही वाज इन सीपीएम फॉर 15 इयर्स, ही ओनली जॉइन द बीजेपी 2014 इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अभिषेक, यू आस्क अबाउट मणि छापी टू हिम। सर आई थिंक आई जस्ट रेस्ट माई केस, एंड आई थिंक देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग विद समवन, rather arguing with a fool only proves it that there are two in the house, and then since there are three of them there is no point arguing, because whatever questions they have thrown at you, it is like a faceless opposition throwing you toothless punches. So I will ask you to put the motion to vote, and let the judgment, let the audience and this house decides what is right, what is wrong, what is best in the country's interest, and we will rest our case at that. Thank you very much. Thank you, moderator sir. Abhishek, thank you very much.